अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, नमस्कार। मेरे सभी दोस्तों को, सभी माताओं को, सभी बहनों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी में नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए। दोस्तों, नए साल की खुशी के साथ साथ थोड़ा सा आपको एक मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आप सबको पता है चुनाव का मौसम है और सभी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तकरीबन रोज़ाना कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है कि बहुत से कई कैंडिडेट ऐसे हैं, उनमें से मैं भी हूँ, कि 5 साल से 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और लोगों का काम भी कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, वोट सोच समझ के दीजिए, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है जो सरकार ने हमें दिया है और इस अधिकार को हमें सही तरीके से अपना उपयोग करना है। वोट आप उसी को देना जो आपका काम कराए, जो आपका हमेशा साथ रहे। अगर मैं इस लायक लग रहा हूँ कि मैं आपको हमेशा साथ दूंगा और मैंने आपका साथ दिया है, तो वोट मुझे देना। अगर मुझे आपको लग रहा है कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा, तो वोट उसको देना जो आपका हमेशा साथ दे, हमेशा आपका हर टाइम आपके साथ खड़ा रहे। आप कहीं पे पसीना बहाएं तो वो अपना खून हाजिर कर दे। दोस्तों अभी आपने देखा 25 तारीख में जो हमारे पूर्व प्रधान हैं उनके बस्ते यानी जमा हो गए हैं और अकाउंट भी बंद हो गया है, और यानी सारे का सारा जो है कार्यभार वो एडीओ पंचायत पे चला गया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनसे भी कराने के लिए, हम उनसे भी काम कराएं और रोजगार के स्तर हैं, सभी को रोजगार हो, शिक्षा हो, साफ सफाई हो गाँव में, और सभी के जो छोटे मोटे जितने भी छोटे काम हैं, बड़े काम हैं, उन सबको हम निपटाएं। तो दोस्तों मेरी सभी लोगों से, मेरी सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आने वाले चुनाव में, आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव में मुझे अंबार अली एडवोकेट को भारी मतों से जिताएं। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ, फिर दोबारा कहता हूँ कि आपका नया साल खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए आपके साथ में। इसी के साथ मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमेशा गाँव की भलाई के लिए काम करूँगा और गाँव भद्रखे का नाम बहुत रोशन करूँगा इस ज़िले में, इस तहसील में, इस देश में। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय भद्रखा। अस्सलाम वालेकुम।